पटना से सटे मसौढ़ी में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। लड़ाई में दो गुटों के बीच थी, लेकिन मसौढ़ी का एक पूरा मोहल्ला ही इसकी चपेट में आ गया। पथराव इतना जबरदस्त हुआ कि कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, दो लोगों को गोली लगी। पत्थर फेंकती हमले पर उतारू भीड़। भीड़ को काबू करती पुलिस की फायरिंग। इलाके के रेलवे स्टेशन के पास आक्रोशित भीड़। पटना से 2 किलोमीटर दूर मसौढ़ी में यह हालत खेल खेल में दो गुटों के बीच हुई फायरिंग के बाद बन गई। इसके बाद दबदबे की जंग ऐसी छिड़ी कि पूरा मसौढ़ी युद्ध का मैदान बन गया। सड़क पर दूर दूर तक बिखरे पत्थर बता रहे हैं कि आपस में छिड़ी जंग के दौरान किस कदर पत्थरबाजी हुई। दुकानों के शीशे तोड़ दिए गए। पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले भी घायल हो गए। कई राउंड फायरिंग की गई। जी है मसौढ़ी के हालात इतने खराब हो चुके थे कि मौके पर पहुंची पुलिस को लोगों को काबू करने के लिए कई राउंड फायरिंग भी करनी पड़ी। एसपी सिटी भी मौके पर पहुंचे। कुछ लोगों ने उन पर भी हमला कर दिया, हालांकि वे बाल बाल बच गए। इस बवाल के चलते पूरे मसौढ़ी के बाजार को बंद कर दिया गया। डीएम और एसएसपी मनु महाराज के पहुंचने के बाद किसी तरह हंगामे को शांत कराया गया। पटना से करीब 35 किलोमीटर दूर मसौढ़ी में आज दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दरअसल दो दिन पहले खेलने के दौरान दो लड़कों के बीच झगड़ा हुआ था। उसी झगड़े को लेकर एक लड़के ने दूसरे लड़के को गोली मार दी और इसके बाद ही विवाद की शुरुआत हो गई। दो पक्ष के लोग आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर पथराव करने लगे। यहाँ पर आप देखें सड़कों पर जो आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं, हर तरफ यहाँ चारों तरफ आप देखें पत्थरों के ढेर हैं। दरअसल यहीं पर ठीक बगल में स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, तारेगना स्टेशन, और यहाँ स्टेशन पर भीड़ आ गई थी और रेलवे पटरी के किनारे जो पत्थर हैं वो यहाँ पर फेंके जा रहे थे। पुलिस यहाँ पर पहुँची तो पुलिस पर भी पथराव किया गया और नुकसान कितना हुआ ये हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखें एक बैंक का एटीएम है और इसके शीशे यहाँ देखें पूरी तरह से टूट चुके हैं। और बगल में दो कॉलोनी है और ये दो कॉलोनी के लोग आमने सामने आ गए थे। यहाँ देखें एक और एटीएम है, उसके शीशे भी टूटे हुए हैं। यहाँ देखें इसका शीशा टूटा हुआ है और इस पूरे इलाके की जितनी भी दुकानें हैं आप देखें बंद पड़ी हुई हैं।